ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था जेई एडवांस 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट ए बी सी द थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स सच डैट द इक्वेशन रूट थ्री ए कॉस एक्स प्लस टू बी साइन एक्स इक्वल टू सी। एक्स बिलोंग कर रहा है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। क्लोज इंटरवल हैज टू रियल डिस्टेंट रियल रूट्स आपका है अल्फा और बीटा, और आपको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछा है बी बाई ए का वैल्यू पूछा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और बच्चों आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पे सोचते कैसे हैं। क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट लेना सीख जाओगे क्वेश्चन पे, वो बहुत ईजी वे में बन जाता है यार, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को देखिए, क्या सर, तो आपको इक्वेशन दे रखा है रूट थ्री ए कॉस एक्स प्लस टू बी साइन एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन रूट थ्री ए कॉस एक्स प्लस टू बी साइन एक्स, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखा है। अब क्या करना है इसमें कि देखो, और इसके दो रूट्स हैं, एक तो अल्फा और बीटा रूट्स है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एक्स जो है यहाँ पे, ये आपका एंगल है, क्या है यहाँ पे, एंगल है, और एंगल जब है तो इसके रूट्स भी एंगल के फॉर्मेट में होंगे, यानी कि अल्फा बीटा भी आपका क्या है, एंगल है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि इस कॉस एक्स और साइन एक्स को टैन के फॉर्मेट में चेंज कर देना है। किसके फॉर्मेट में, टैन के फॉर्मेट में चेंज कर देना है। जब आप टैन के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को आप चेंज करेंगे तो बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको करना है। तो देखिए क्या करना है कि रूट थ्री ए अगर हम कॉस एक्स को टैन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वन माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस टू बी साइन एक्स बराबर होता है टू टैन एक्स, एक्स बाई टू हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा, यहाँ भी एक्स बाई टू हो जाएगा, और वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा इक्वल टू सी, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैंने बस वहां पे एक्स था तो इसका आधा एंगल हो गया एक्स बाई टू। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि यहां से वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का आप एलसीएम लेके आप राइट साइड में मूव करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट थ्री ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू बी इंटू इंटू टू टेन एक्स बाई टू इक्वल टू हो जाएगा आपका सी इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। जरा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब देखिए क्या करना है, यहां पे समझिएगा कि मैंने इस टेन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को इसको मैं इधर भेज दिया। अब क्या हो जाएगा, तो रूट थ्री अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें और सबको एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा रूट थ्री ए माइनस रूट थ्री ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस चार बी टेन एक्स बाई टू प्लस इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस सी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब सबको एक तरफ ले जाइए, तो सब सबको आप एक तरफ ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा आपका रूट थ्री प्लस सी, ठीक है, और माइनस फोर बी टेन एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस सी माइनस रूट थ्री ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जितना भी लेफ्ट साइड में था सबको मैं राइट साइड ले गया और ये कर दिया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब इसका जो रूट्स है वो है अल्फा और बीटा,
दो रूट्स हैं इसके, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, टैन एक्स वाई टू है, यानी कि जो इसके रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एंगल अगर एक्स इसका जो रूट्स अगर हम देखेंगे तो ये आपका जो रूट्स हो जाएगा ना वो टैन एक्स वाई टू हो जाएगा, यानी कि टैन एक्स वाई टू कहने का मतलब है कि जो रूट्स हो जाएगा टैन अल्फा बाई टू और टैन बीटा बाई टू। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो टैन एक्स वाई टू है, जैसे कि एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स ही का रूट निकलता था ना, तो उसी तरीके से टैन एक्स बाई टू है तो इसका रूट्स हो जाएगा टैन अल्फा बाई टू और टैन बीटा बाई टू। अब क्या करना है अपने को कि सम ऑफ रूट्स निकाल देना है, क्या निकाल देना है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि टैन अल्फा बाई टू प्लस टैन बीटा बाई टू। जब आप निकालेंगे इसका सम ऑफ रूट्स तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है, तो माइनस फोर ए है, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर बी अपॉन रूट थ्री ए प्लस सी, क्या हो जाएगा, रूट थ्री ए प्लस सी। साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अपना, अल्फा टैन अल्फा बाई टू इंटू हो जाएगा टैन बीटा बाई टू, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ होता है, तो सी ए रहा और ये ए रहा, तो c हो जाएगा c माइनस रूट थ्री ए अपॉन रूट थ्री ए प्लस सी। ठीक है, अब आपको निकल गया tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू निकल गया, और tan अल्फा इंटू tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू भी आपको निकल गया। अब क्या करना है, अब मेरी बात को समझिएगा कि यहाँ से जब मिल गया तो अब एक आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, जरा मैं इसको छोटा कर लूँ, ठीक है, मैं जरा इसको छोटा कर लेता हूँ। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्या, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू का फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू अपॉन वन माइनस tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू। अब यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, जब हम वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे जब हम वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि और इसकी वैल्यू tan अल्फा बाई टू की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, tan अल्फा की वैल्यू पाई बाई थ्री दे रखा है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई सिक्स इक्वल टू, जब आप इसकी जगह पे ये रखेंगे तो रूट थ्री ये कट जाएगा और बचेगा कितना, तो फोर बी अपॉन आपका बचेगा नीचे में रूट थ्री ए प्लस सी और माइनस सी प्लस रूट थ्री बी। ठीक है, तो आप देखिए सी सी कट गया और हो गया फोर बी अपॉन टू रूट थ्री ए और टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है वन बाई रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया और ये हो जाएगा कितना, टू उधर चला जाएगा फोर नीचे, यानी कि बी बाई ए, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा कितना, वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब 0.5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही आपके लिए मैं और भी क्वेश्चन लाते रहूँगा आईआईटी के क्वेश्चन, ताकि आपको मैं सॉल्व करके दिखा सकूँ कि क्वेश्चन पे सोचते कैसे। देखिए बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोच के हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।